अगली खबर में बात करते हैं छतरपुर की, जहां विशाल हिंदू गौरव यात्रा छतरपुर शहर के रेलवे स्टेशन से दोपहर 1 बजे निकाली गई। यात्रा का नेतृत्व हिंदू युवा संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक नीरज सिंह ने किया। वहीं पूरी यात्रा की कमान बुंदेलखंड प्रभारी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने संभाल रखी थी। आपको बता दें कि हिंदू गौरव यात्रा में हजारों मोटरसाइकिल सवार भगवा ध्वज लेकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए चल रहे थे। यह यात्रा छतरपुर शहर का भ्रमण करते हुए मऊ सहानिया के लिए रवाना हो गई। इस अवसर पर हिंदू युवा संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक नीरज सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हिंदू युवा संगठन भारत के द्वारा यह हिंदू गौरव यात्रा सोमनाथ की धरती से प्रारंभ होकर महाराज छत्रसाल की वीर भूमि छतरपुर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि हिंदू युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह जडेजा एवं राष्ट्रीय महामंत्री कौशलेंद्र सहित बुंदेलखंड के प्रभारी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू भैया की अथक प्रयासों से हिंदू गौरव यात्रा सफल रही। इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हिंदू गौरव यात्रा में हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल सवार भगवा ध्वजधारी लोग मौजूद रहे। वहीं पूरी यात्रा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आज हिंदू युवा संगठन भारत के द्वारा यह हिंदू गौरव यात्रा सोमनाथ की धरती से आज महाराजा छत्रसाल की इस वीर भूमि पर पहुंच गई है। हमारे हिंदू युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह जाडेजा जी, राष्ट्रीय महामंत्री कौशलेंद्र जी, और विशेष रूप से साधुवाद देना चाहूँगा हमारे बुंदेलखंड के प्रभारी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू जी ने, जिन्होंने एक विशाल यहाँ पर गौरव यात्रा का आयोजन किया है हिंदू जागृति के लिए, हिंदू प्रतीकों आस्थाओं के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जो संगठन काम कर रहा है, आज उसी का यह प्रतिफल है कि पूरा छतरपुर आज आपको इस प्रांगण में दिखाई दे रहा है। मैं सबको सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय।